हेलो गाइस गाइस, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सर्वर पे रेड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेड कितने टाइप के होते हैं। मोस्टली जो एनवायरनमेंट में यूज होते हैं, जो मोस्टली ऑफिसेस में यूज होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। फुल रेड क्या चीज होते हैं, रेड 1 क्या होता है, रेड 0 क्या होता है, रेड 10 क्या होता है, रेड 5 क्या होता है, उसके विषय में जानने के लिए आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बाकी हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेड 5। आज हम देखेंगे कि फिजिकली फिजिकल हार्ड डिस्क पे हम रेड कॉन्फिगर कैसे करें। दोस्तों, हम रेड कॉन्फिगर क्यों करते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देना चाहता हूं कि रेड होता क्या है। रेड होता है रेडिडेंस एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इट मींस जितने भी हमारे हार्ड डिस्क होती हैं, उनको हम एक लॉजिकल हार्ड डिस्क में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे फायदा क्या है हमें, हमें पता है कि जो भी हमारे सर्वर के डेटा है वो कितना इंपोर्टेंस होता है, कितना इंपोर्टेंट रखता है। किसी भी कंपनी का डेटा उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा एसेट होता है, तो उस डेटा को हम सेफ कैसे रखें। सपोज हमारे पास 3 हार्ड डिस्क है, 4 हार्ड डिस्क है, 5 हार्ड डिस्क है। अगर हमने विदाउट रेड कॉन्फिगर, विदाउट रेड उसे चलाया, और सपोज वो हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है जिसमें हमारा डेटा है, तो क्या होगा, हमारा सारा का डेट सारा डेटा लॉस हो जाएगा। उसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस बेयर करना पड़ेगा। उस चीज को बचाने के लिए, उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल हार्ड डिस्क का को मिलाकर एक रेड कॉन्फिगर करते हैं। एज पर वो योर हार्ड डिस्क, जितनी हार्ड डिस्क है उसके हिसाब से हम रेड कॉन्फिगर करते हैं, ताकि हमारे इनकेस हमारा कोई हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है, तभी भी हमारा ओएस, हमारा डेटा सेफ रहे, उसकी वजह से हम रेड कॉन्फिगर करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेड 5 कैसे कॉन्फ़िगर करें किसी भी सर्वर पे। आज हम कवर करेंगे एचपी के सर्वर में, बट सेम प्रोसेस होता है किसी भी सर्वर पे कॉन्फ़िगर करने के लिए रेड 5 को। तो हमारे साथ दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज मिलेगी हाउ टू कॉन्फ़िगर रेड 5 ऑन एनी सर्वर। तो दोस्तों, अभी भी आपने आईटी सुनील चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा और मैं आप लोगों की नॉलेज को बूस्टअप करके ही रहूँगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस आप लोगों का साथ चाहिए। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। आफ्टर रीस्टार्टिंग द सर्वर, क्लिक F10 या प्रेस F10 बटन। आपको F10 बटन प्रेस करना पड़ेगा इंटेलिजेंट प्रोविजनिंग के लिए। अभी सेटअप स्टार्टिंग हो चुका है। तो जितने भी हमारे हार्डवेयर हैं, HP, IBM, डेल के जितने भी सर्वर्स हैं, फिजिकल सर्वर, वो स्टार्टिंग में टाइम लगाते हैं आपको स्टार्ट होने में, तो हमें वेट करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे दो प्रोसेस हैं। एक तो आप रेड कॉन्फ़िगर करने के बाद अगर विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, और दूसरा प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ रेड कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो अभी हमारे केस में हम जो अभी प्रोसेस देखेंगे, हम सिर्फ रेड कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, विंडो इंस्टॉलेशन हम बाद में करेंगे। तो हमारे पास 5 हार्ड डिस्क हैं, 600 की ईच हार्ड डिस्क हैं, सॉरी 8 हार्ड डिस्क हैं। तो लेट्स सी। नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है।
उस समय हमारे जो नेटवर्क कार्ड है उसमें लैन केबल लगी होनी चाहिए ड्यूरिंग दिस इंस्टॉलेशन। देखिए अगर इंस्टॉल कॉन्फिगर एंड इंस्टॉल पे अगर क्लिक करते हैं तो ये रेड कॉन्फिगर करने के बाद आपका विंडो भी इंस्टॉल हो जाएगी, बट हमें ऐसा नहीं करना है। अभी हमें क्लिक करना है परफॉर्म मेंटेनेंस पे, हमें सिर्फ और सिर्फ अभी रेड कॉन्फिगर करना है, रेड 5 हम इस वीडियो में कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेड कॉन्फिगर करने के लिए। तो दोस्तों कंप्लीट रेड जाननी है, रेड 1, रेड 0, रेड 5, रेड 10, तो हमारी कंप्लीट रेड वाली वीडियो देखिए, इसमें हम कवर करेंगे रेड 5। हमें क्लिक करना है एचपी स्मार्ट अरे, अगर रेड के विषय में कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो हमारी ये वीडियो देखिए, यहां से सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल जाएगी आपको। इसके बाद हमें क्लिक करना है एचपी प्रोविलेंट, क्लिक ऑन हियर। अगर आपके हार्ड डिस्क में ऑलरेडी पहले से ही रेड कॉन्फिगर्ड है, अगर उसे इरेज करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना है इरेज पे। अगर बिल्कुल न्यू बना रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट एरे, तो हम हमारे पास जो बिल्कुल न्यू हार्ड डिस्क है न्यू कॉन्फिगर कर रहे हैं तो हमें क्लिक करेंगे क्रिएट एरे पे। अब देख पा रहे होंगे चार हार्ड डिस्क एक स्लॉट में, दूसरी हार्ड स्लॉट में हमारे चार हार्ड डिस्क दिख रही है, तो हम सेलेक्ट ऑल करेंगे क्योंकि हमें 8 के 8 हार्ड डिस्क पे ही रेड कॉन्फिगर करना है, रेड 5। तो हमने करना है सेलेक्ट ऑल। दोस्तों रेस्ट 5 के केस में जितनी भी हार्ड डिस्क हैं आपकी उसमें से एक हार्ड डिस्क शेयर्ड हो जाती है, मतलब कि आपका जो यूजेबल स्पेस होगा सिर्फ और सिर्फ 5 हार्ड डिस्क का यूजेबल स्पेस मिलेगा, एक हार्ड डिस्क का जो स्पेस है आई मीन 600 GB वो शेयर्ड हो जाएगा, मतलब शो नहीं होगा। तो 8×5=40 यानी 4 TB ही आपको यूजेबल स्पेस मिलेगी रेड 5 के केस में, एक हार्ड डिस्क आपकी प्रायोरिटी में शेयर्ड हो जाती है। क्रिएटर है, तो एज पर आपकी जो हार्ड डिस्क है जितनी हार्ड डिस्क अवेलेबल मिलेगी उसी के हिसाब से आपको रेड शो करेगा, जो रेड लेवल देख रहे हैं आप रेड 0, रेड 10, रेड 5, रेड 50, रेड 60, तो ये आपके हमारे पास जो 8 हार्ड डिस्क है उसके हिसाब से ये शो कर रहा। अगर आपके पास 2 ही हार्ड डिस्क होती तो इसमें रेड 0 और रेड 1 ही केवल शो करता, रेड 5 नहीं शो करता, राइट। तो एज पर अवेलेबल हार्ड डिस्क उसके हिसाब से रेट शो करता है कि इन हार्ड डिस्क में आप कितने रेट कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है अगर 2 हार्ड डिस्क आपने लगा रखे हैं तो उसमें रेट 5 कॉन्फिगर नहीं कर सकते और यहां पर रेट 5 का ऑप्शन आएगा भी नहीं, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। हमें मैक्सिमम पे क्लिक करना है, आप देख पा रहे होंगे 4 TB स्पेस मिल रहा है हमें, जो 600 GB है वो शेयर्ड हो जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक हार्ड डिस्क का जो स्पेस है वो शेयर्ड हो जाएगा, वो हमें यूजेबल नहीं मिलेगा, हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए होता है कि एक हार्ड डिस्क हमारी करप्ट हो जाती है, डाउन हो जाती है, तभी भी हमारा ओएस या डेटा परफेक्टली चलता रहे, वो प्रायोरिटी में वो शेयर्ड हो जाता है। नाउ क्रिएट देयर, क्रिएटिंग एरर। नाउ लॉजिकल ड्राइव हैज बीन क्रिएटेड, आपका जो रेड 5 हो वो सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है। फिनिश,
फिनिश करने के बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमारा, आप देख पा रहे होंगे, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एरर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है या नहीं। तो हम क्लिक करेंगे एरर पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक लॉजिकल ड्राइव क्रिएटेड हो चुकी है जिसमें कि 8 हार्ड डिस्क हमारी नीचे शो कर रही है, राइट। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी है हमारा रेड फाइल। अभी हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हमारा सर्वर रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट के बाद अगर आपको इंस्टॉलेशन करनी है तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंस्टॉल इन कॉन्फिगर का। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने सीखा होगा रेड कॉन्फिगर कैसे करते हैं। हालांकि रेड कॉन्फिगर करना बहुत ही इजी टास्क है, बट जब तक हमें पता नहीं है, जब तक हमने किया नहीं है, जब तक हमने देखा नहीं है, तब तक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। हालांकि जिसने किया नहीं है उसके लिए रेड कॉन्फिगर करना एक बहुत बड़ा टास्क है कि रेड कॉन्फिगर कैसे करते हैं। जब आप एक बार कर लेते हैं, जब माइंड में कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो कोई भी चीज इजी लगने लगती है। फिर हमें ये लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं था। दोस्तों अगर आप मान लेते हैं माइंड में कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ आसान है, तो रियली आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर जब तक आप मानते रहते हैं उस चीज को बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत बड़ा टास्क है, तब तक वो बड़ा टास्क रहता है। जब तक आप उस टास्क के पीछे पड़ जाते हैं और समझ लेते हैं पूरी तरह से, फिर वो टास्क बहुत ही आसान हो जाता है। तो वैसे ही है कोई भी काम के पीछे पड़ना, पूरा माइंड लगाना उस पे और पूरा मेहनत करके सीखना, उसके बाद काम आसान हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।